जय श्री कृष्ण दोस्तों। राजा दशरथ जब अपनी अयोध्या नगरी में पहुंचे तो अयोध्या वासियों ने राजा दशरथ और भगवान श्री राम का भव्य स्वागत किया। महल में पहुंचने पर महारानी कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी के साथ अन्य राजपत्नियों ने अपनी चार बहुओं सीता, उर्मिला, मांडवी और शुत कीर्ति का स्वागत करने के लिए महल से बाहर चली आई और अपनी चारों बहुओं को सर्वप्रथम देव मंदिरों में ले जाकर देवताओं का पूजन करवाया। फिर उन सभी बहुओं को उनके उनके महलों में पहुंचा दिया गया। भगवान श्री राम के चारों भाई विवाहित होने के बाद अपने पिता, गुरु तथा अपने राज्य की सेवा में लग गए थे। बहुएं अपने पति के साथ अपना पत्नी धर्म निभाती हुई अपने सासों की सेवा करने लगी थी। राजा दशरथ के कई वर्ष इस प्रकार खुशियों में व्यतीत हो गए कि तभी एक दिन महारानी कैकेयी के भाई युधाजित अयोध्या आए। कैकेयी के भाई युधाजित अपने भांजे भरत को अपने पुत्रों से भी अधिक स्नेह करते थे, इसलिए युधाजित ने अपनी बहन कैकेयी के सामने यह प्रस्ताव रखा कि वह अपने भांजे भरत को अपने साथ कैकेयी ले जाना चाहते हैं। भाई की यह इच्छा देख महारानी कैकेयी ने महाराजा दशरथ के सामने इस प्रस्ताव को रख दिया। महाराजा दशरथ कभी भी अपने पुत्रों को अपने से दूर होने की कल्पना भी नहीं करते थे, परंतु अपने सबसे प्रिय महारानी कैकेयी के प्रस्ताव को वो अस्वीकार नहीं कर सके और अपने पुत्र भरत को उनके मामा के घर जाने की आज्ञा दे दी। राजकुमार भरत को जब पता चला कि उन्हें मामा के घर जाना है तो वह अपने भाई और सखा शत्रुघ्न के पास गए और उनसे बोले कि वह भी उनके साथ उनके मामा के घर चले, क्योंकि जिस प्रकार भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के बिना अधूरे थे, उसी प्रकार भरत भी बिना शत्रुघ्न के अपने को अधूरा समझते थे। जिस प्रकार लक्ष्मण कभी भी अपने भाई भगवान श्री राम की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया करते थे, उसी प्रकार शत्रुघ्न भी अपने भाई भरत की आज्ञा की अवहेलना नहीं करते थे, इसलिए वह भरत के साथ उनके मामा के घर जाने को तैयार हो गए। महाराजा दशरथ को जब पता चला कि भरत के साथ शत्रुघ्न भी भरत के मामा के घर जा रहा है तो उन्हें यह सुनकर थोड़ा दुख अवश्य हुआ, परंतु अपने पुत्रों की प्रसन्नता के लिए शत्रुघ्न को भी भरत के साथ कैकेयी जाने की आज्ञा दे दी थी। भरत और शत्रुघ्न के जाने के बाद भगवान श्री राम और लक्ष्मण अपने पिता, गुरु और राज्य की सेवा में और अधिक समय देने लगे थे। राजकुमार भरत के ननिहाल के कई राज में भरत तथा शत्रुघ्न को प्रसन्न रखने के लिए उनकी सभी इच्छाओं को पूर्ण किया जाता है। मामा, नाना आदि सभी लोगों से उन्हें बड़ा ही स्नेह और लाड प्यार मिल रहा था, परंतु इन सुखपूर्ण स्थितियों में भी राजकुमार भरत और शत्रुघ्न को अपने विरुद्ध पिता की याद कभी नहीं भूलती थी। उसी प्रकार अयोध्या में महाराजा दशरथ भी अपने उन दोनों पुत्र भरत और शत्रुघ्न को सदा स्मरण किया करते थे, जबकि भगवान श्री राम सदा अपनी सेवा से अपने पिता तथा अपनी सभी माताओं को पूर्णतया संतुष्ट रखने का पूर्ण प्रयास करते थे। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।